माइक्रोसॉफ्ट एज में किसी भी वेब पेज को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को। ये देखिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर, इसमें ये होम पेज है। अगर आप इस होम पेज का पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने चाहते हैं अगर इसको आप, तो सबसे पहले आपको यहाँ राइट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये है HP ePrint Jet Advantage और ये है आपका पेज, जो तीन पेज है। ये देखिए, ये तीनों पेज आपको जो है PDF में डाउनलोड करना है। अब आपको यहाँ HP ePrint Jet Advantage पर क्लिक करना है। यहाँ पर हो सकता है अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर दूसरा हो तो यहाँ पर दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है प्रिंटर पर ही। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिखा हुआ है, आपको ये प्रिंट टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। अब ये देखिए, ये आपका जो है तीन पेज जो है, अब आपको यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो फाइल है वो पीडीएफ में सेव होएगा। अब यहाँ पर देखिए इसने कुछ, अब यहाँ पर आपको नाम देना है अपने पीडीएफ फाइल का, वेब पेज, और लास्ट में एक्सटेंशन .pdf करना है। अब इसके बाद इसे सर्व पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो ये वेब पेज है, आप किसी भी वेब पेज को पीडीएफ में डाउनलोड इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको जो है ये वेब पेज यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, वेब पेज मैंने लिखा हुआ है, अब इस पर आप डबल क्लिक कीजिए और ये देखिए, ये जो है आपका पीडीएफ फाइल में ये वेब पेज डाउनलोड हो चुका है। अब इसे आप मोबाइल पर भेज सकते हैं, ईमेल में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, कहीं भी आप इसे भेज सकते हैं। पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो है आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे यूजफुल जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।